नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका द ब्रेकफास्ट शो में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली। घर घर जलेंगे दीप, धान्य की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की होगी पूजा। रामनगरी अयोध्या में मनाया गया 8वां दीपोत्सव। सरयू नदी में 55 घाटों पर प्रज्वलित किए गए 28 लाख दीप। सीएम योगी भी दीपोत्सव में शामिल हुए, बने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। दीपावली के मौके पर महाकाल मंदिर परिसर में आकर्षक लाइट्स, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया बाबा का धाम। लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन। सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में बनाई रंगोली। बच्ची के साथ जमीन पर बैठकर पारंपरिक कला में आजमाए हाथ, बच्ची की कला की प्रशंसा की। आज उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मनाएंगे दीपावली। बाजार में स्थानीय लोगों से करेंगे मुलाकात। तो सीएम साय जशपुर के बगिया में मनाएंगे रोशनी का त्यौहार। असम के करीमगंज में सजाया गया राम मंदिर की थीम वाला पूजा पंडाल। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्कूल के बच्चों ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दीपावली। जवानों संग दिवाली मनाने पर बच्चों में दिखा उत्साह। जीएमपी छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जगतगुरु राम भद्राचार्य। कहा, मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, शुद्ध संस्कृत का शब्द है हिंदू। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम का आज दूसरा दिन। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कई आयोजन। सरकारी इमारतों पर जलाए जाएंगे दीपक। एमपी सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिवाली तोहफा। पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी, 1 अक्टूबर 2024 से होगा लागू। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारिणी को लेकर कल है अमन बजाज, मोनू सक्सेना और लक्ष्मण सिंह ने पद लेने से किया इनकार। बीजेपी बोली कांग्रेस में कल है कि आतिशबाजी जारी। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी नक्सली घटनाओं में रहे हैं शामिल। दुर्ग में बैंक लॉकर से 8 लाख का सोना गायब होने से हड़कंप। लॉकर मालिक ने मिलाई भिलाई नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। छानबीन में जुटी पुलिस। भिंड में 3 मंजिला फर्नीचर शोरूम में लगी भयंकर आग, जलकर पूरी तरह खाक हुआ शोरूम। दमकल ने आग पर काबू किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक स्क्रैपयार्ड में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के सतना में चलती स्कूटी में अचानक लगी आग। शख्स ने कूदकर बचाई अपनी जान। गरियाबंद में 1.5 महीने से हाथियों का आतंक जारी। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन।